नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोस्ट ही चैनल में। जैसा कि दोस्तों मैं अनुपम वर्मा आप सभी को आपके अपने गोस्ट ही चैनल पे स्वागत करता हूं। तो सभी लोग एक बार जल्दी से जुड़ जाइए और सभी को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए कि क्लास अपनी स्टार्ट हो चुकी है, जनरल अवेयरनेस की क्लास नंबर 28। तो सभी लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए, सभी लोग जुड़ जाइए भाई। बिल्कुल बहुत अच्छे मेरे सभी प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी से शेयर कर दो भाई सभी लोग, बहुत टाइम हो चुका है, चलो जल्दी से। तो जैसा कि दोस्तों पहले थोड़ी हम बात कर लेते हैं कि आपकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं आपकी, ठीक है बच्चा। चलो आई थिंक आप सभी लोग आ चुके होंगे, बिल्कुल। चलिए जैसा कि फ्रेंड्स ये जो आपकी क्लास होती है, आज की जो क्लास है ये आपकी 28 नंबर की क्लास है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, ये आपकी रोज अब जो है वो मंडे टू सैटरडे आज की आपकी इंपॉर्टेंट सेंसेस की क्लास जो है वो होनी है आपकी 2 बजे। जैसे ही ये क्लास खत्म होगी उसके बाद आपकी ये सेंसेस 2011 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ये क्लास होनी है, तो ये क्लास भी लेना मत भूलिएगा। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद ये आपकी क्लास होती करंट अफेयर की, जो कि आज की क्लास नंबर 5 थी, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट क्लास होती है। इस क्लास को भी लेना मत भूला करो, जो कि आपके राकेश सर आपको करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। उसके बाद चलेंगे हम टेलीग्राम की तरफ, जो कि ये टेलीग्राम आप सभी को सेलेक्ट करना, क्योंकि इस टेलीग्राम से आपको इन सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, इन सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाती हैं और सभी बातें जो भी नई क्लास स्पेशल क्लास स्टार्ट होने वाली हैं सभी के नोटिफिकेशन यहीं से आपको मिलते हैं। तो हम चलते हैं स्टार्ट करने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग देंगे जो कि आपके एसएससी सेक्शन ऑडिट 2001, सीजीएल 2003 और सीजीएल 2012 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब देंगे। आशा करता हूँ सभी लोग इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छे, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून बैंक पाठक, बिल्कुल बहुत अच्छे। चलिए तो सभी लोग जुड़ गए होंगे जल्दी से। चलिए जैसा कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है भाई, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किसने अजंता के चित्रों की प्रेरणा दी थी, कृपाल बुद्ध ने, राधा कृष्ण लीला ने, जैन तीर्थंकर ने या फिर महाभारत संघर्ष ने, राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। आज के क्वेश्चन जो है मैं पूरी कोशिश करी है कि मैंने आज के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा रखने की कोशिश करी है, तो कोशिश करिएगा ये सभी क्वेश्चन आपको आई थिंक समझ आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आज के क्वेश्चन है, ठीक है भाई। चलिए कलर सेट कर लेते हैं ब्लैक, ओके ओके चलो। बिल्कुल सी आंसर देखने को मिल रहा है, जैन तीर्थंकर, क्या बात सही होगी। मयंक पाठक बिल्कुल सही जवाब होगा क्या ये आपका, जल्दी से बताओ भाई क्या ये सही जवाब है आपका, कौन जवाब देगा इसका। सबसे पहले पहले क्वेश्चन के लिए मैं रुका हुआ हूं, देखते कितने बच्चे यहां पर बिल्कुल सही जवाब देते हैं। देखिए अजंता गुफा की बात करेंगे, अजंता गुफाएं सबसे अधिक कहां देखने को मिलती, ये पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे अधिक अजंता गुफाएं कहां देखने को मिलती ये भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। तो आप सभी को पता 30 मेजर जो है अजंता की गुफाएं कहां देखने को मिलती है, कोई बताएगा मुझे। ये आपकी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में देखने को मिलती, कहां पर, एमपी के औरंगाबाद में। ये आपको 30 मेजर जो है वो अजंता की गुफाएं देखने को मिलती हैं, ओके। चलो तो यहां पर बात करेंगे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की कि किसने अजंता के चित्रों की प्रेरणा दी थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, आप लोगों के किसी भी का कोई भी जैन तीर्थंकर किसी का भी सही जवाब नहीं है, कृपाल बुद्ध यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा। किसी भी बच्चे ने यहां पर सही जवाब नहीं दिया ए, बल्कि ए यहां पर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसी भी बच्चे का मुझे सही जवाब नहीं मिला, बिल्कुल महाराष्ट्र तो सभी ने दे दिया लेकिन किसी ने इसका सही जवाब नहीं, कृपाल बुद्ध यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा, ओके। आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एसएससी सेक्शन ऑडिट 2001, 2003 और 2012 के अंदर पूछा गया, ये चीज नजर जरूर डाल लेना, ओके। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए क्या कहता है कि महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान हुआ था, जल्दी से बताइए भाई, पल्लव डायनेस्टी के टाइम पर, चोल डायनेस्टी, राजकूट के टाइम पर या फिर पल्लव के टाइम पर, किसके टाइम पर, सॉरी पहला पाल्स लिखा है, ओके पहला पाल लिखा हुआ है, ओके। तो जल्दी से बताइए भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सुजाता मलिक बहुत अच्छे, अनिमा, तीतल, प्रियंका भारती, चलिए आज के क्वेश्चन जो है आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आशा करता हूँ आज के क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो महाबली रथों की बात करी जा रही है यहाँ पर, महाबली रथों की जल्दी से बताइए किसके टाइम पर हुए थे। अच्छा महाबलीपुरम की लोकेशन बता दो भाई, लोकेशन ही मुझे बता दो कि इसकी लोकेशन क्या है, जल्दी से बताओ, किसी बच्चे को पता है लोकेशन के बारे में बताओ जल्दी से, लोकेशन इसकी कहां देखने को मिलेगी महाबलीपुरम की, तो जल्दी से मुझे बताइए भाई, कौन बताएगा मुझे इसकी लोकेशन के बारे में। तो इसकी लोकेशन की अगर हम बात करेंगे तो आप सभी को पता तमिलनाडु, ओके तमिलनाडु के अंदर इसकी आपको लोकेशन देखने को मिलेगी, ठीक है भाई। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अगर महाबली
के रथों के निर्माण की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, पल्लव यहां पर बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। ए भाई पाल लिखा हुआ, वो पाल लिखा हुआ है, ये तो आपका होएगा ही नहीं। यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्लव टाइम, ठीक है, पल्लव यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पाल्स नहीं होगा, पल्लव इसका बिल्कुल सही जवाब होगा बिना किसी डाउट के। ओके, आप सभी ने पाल करा है तो पाल नहीं होगा भाई, पल्लव इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और सभी लोग यार लाइव आकर देखा करो, क्योंकि जो है ये वीडियो जो है आजकल आप सभी को पता बहुत सारे लोग लाइव कंटेंट करा रहे, तो इसलिए जो है आजकल जो है बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। आप सभी ने देखा होगा, अगर आप ये अपलोड होने के बाद वीडियो देखेंगे तो कई बारी जो है ये वॉइस के साथ मिस, ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है भाई। चलिए तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो वो डब्ल्यू सी बैनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी थे, गोखले जी थे, या फिर गांधी जी थे, कौन? यहां पर बिल्कुल 2010 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। जैसा कि मैं पहले भी वादा कर चुका हूं, मैं आप सभी को वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि आपके एसएससी एग्जाम्स के अंदर कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो यही मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे कराऊं ताकि उन क्वेश्चन से आपको बेनिफिट मिल सके। जैसा कि ये क्वेश्चन 2005 और 2010 करीब 10 साल बाद रिपीट हुआ, तो आपका 10 वाला क्वेश्चन जो क्या पता 15 क्या पता 20 में रिपीट हो जाए, ठीक है, तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं। तो यहां पर अगर बात करेंगे इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ थ्योरी की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, इसके द्वारा प्रपोन्ड करी गई थी, तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई, भी यहां पर बिल्कुल सही जवाब देखने को मिलेगा। ओके ठीक है भाई, अब यहां पर भी बहुत सारे बच्चे कह रहे गांधी जी होगा, ना बच्चा ना, गांधी जी नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जैसा कि लिखा कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से मुझे बताइए। गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण की बात करेंगे तो ये 31 मार्च 1913 के अंदर जो है इसका जो है वो क्या किया गया था, आपका निर्माण स्टार्ट किया गया था। ओके, 31 मार्च 1913 में इसका जो है 1913-14 में देखने को मिलता है इसका निर्माण स्टार्ट होता है भाई, ठीक है। और अगर इसके कंप्लीट होने की बात करेंगे कि निर्माण कब कंप्लीट हुआ, तो कंप्लीट होने की बात करेंगे तो ये जो है 1924 के अंदर, 1924 के अंदर इसका जो है वो निर्माण कंप्लीट हो गया था, ठीक है भाई। अगर यहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी हाइट कितनी है, हाइट बहुत बारी पेपर के अंदर पूछी जाती है, तो याद रखिएगा इसकी हाइट अगर कहीं पर पूछी जाए तो 26 मीटर की इसकी हाइट देखने को मिलती है हमें, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट है ये हाइट जो है इसकी, बहुत बार पेपर के अंदर पूछी गई है, तो ये चीज याद रखिएगा। लोकेशन की बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसकी लोकेशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है, एमएम लिख रहा हूं, मुंबई महाराष्ट्र इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आगे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो किसके द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, तो यहां पर जॉर्ज विटेड, इस क्वेश्चन के अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज विटेड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, और ये आपको यहां पर देखने को मिल रही है। उसके आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि पाकिस्तान का नाम की कल्पना किसने करी थी, तो यहां पर कल्पना की बात करी जा रही है, 26 मीटर की हाइट की बात हो रही है, ठीक है, 49 फीट नहीं होगा, सॉरी 49 फीट, ओके फीट में आप बता रहे हो, चलो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग। बिल्कुल पाठक जी, सौरव कुमार बहुत अच्छे, प्रियंका भारती बहुत अच्छे। तो सौरव कुमार जी आज के क्वेश्चन कैसे हैं, आई होप क्वेश्चन जो है वो थोड़े अच्छे होंगे। अगर आज भी आपका लेवल बहुत इजी आपको लग रहा है तो यार वाकई आपकी जो है प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। ओके चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर दो, जैसा कि लिखा कि पाकिस्तान के नाम की कल्पना किसने करी थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने, फजलुल हक ने, लियाकत अली खान ने, या फिर चौधरी रहमत अली ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार इसे पूछा गया कि ये जो इन्होंने अपना पाकिस्तान नाम रखने की इसकी कल्पना करने की बात कही थी, तो ये सामने खुलकर कब आया था, ये 1933 के अंदर सामने खुलकर आया था पाकिस्तान का नाम। पाकिस्तान का नाम खुलकर जब सामने आया था तो वो टाइम क्या था, 1933 का टाइम था, ठीक है भाई। और किसके द्वारा ऐसा किया गया था, ये बात भी पेपर के अंदर पूछी गई, जैसा आपके सामने क्वेश्चन है। तो यहां पर नाउ अवर नेवर, ये अगर आपको पुस्तक का नाम पता होगा कि ये पुस्तक किसकी है तो आप यहां पर आंसर दे सकते हैं। तो यहां पर चौधरी रहमत अली किस किस के द्वारा दिया गया, सौरभ ने दिया बिल्कुल, मयंक पाठक, सौरव कुमार, सोनू यादव, लियाकत अली नहीं होगा। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा चौधरी रहमत अली, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और उनकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ये नाम याद रखिएगा, नाउ अवर नेवर। ये बुक जो है वो पेपर के अंदर डिफरेंट टाइम पूछी गई है, एसएससी एग्जाम से लेकर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर ये जो है पूछा गया कि नाउ अवर नेवर ये किसकी पुस्तक है, ठीक है भाई। तो ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये भी आप नोट करके रख लीजिएगा। ओके क्लियर है, अगर क्लियर है तो मुझे जल्दी से थम्स अप करके बताएं। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा ना, उन बच्चों से निवेदन है वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो यार। और जिन बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं करा उन बच्चों से निवेदन है वीडियो को शेयर भी कर दो यार जल्दी से। इस क्वेश्चन के ऊपर हम फुर्सत में बात करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे। नदी का कटाव सबसे अधिक होता है जहां नदी की
गहराई अधिक होती है, चौड़ाई अधिक होती है, प्रवाह तेज होता है या फिर ढाल अधिक होती है। राइट आंसर यहां पर क्या देखने को मिलेगा, करेक्ट आंसर देने की कोशिश करिएगा भाई जल्दी से। वैसे क्वेश्चन के बारे में मुझे भी कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूं कि ताकि आप लोग मुझे बता सकें। बिल्कुल इस क्वेश्चन के बारे में मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो मैं आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे और जो आप आंसर देंगे वही मैं फॉलो करूंगा, ठीक है भाई। बिल्कुल रेखा पांडे बहुत अच्छे, चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो जो कि आपके एसएससी ऑडिट ऑफिसर 2008 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूं सभी लोग बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल यहां पर फ्लो इज फास्ट, बिल्कुल भाई ये बात तो यहां पर बिल्कुल सही है, फ्लो इज फास्ट। जहां पर फ्लो इज फास्ट बहुत ज्यादा होगा वहां पर आप सभी को पता है क्या होगा, कटाव तो होता ही है, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन अगर आपके एसएससी ऑडिट ऑफिसर के अंदर पूछा गया था मतलब आपका जो एग्जाम का लेवल था वो थोड़ा इजी रखा हो गया होगा, ओके। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है कि नागा खासी और गारो पहाड़ियां स्थित हैं पूर्वांचल श्रृंखला में, काराकोरम श्रृंखला में, जास्कर श्रृंखला में या फिर हिमालय श्रृंखला के अंदर। तो आप सभी को पता है ये तीनों श्रृंखलाएं जो है वो हिमालय को चार पार्टों में डिवाइड किया जाता है, ये बात आप सभी को पता है। तो यहां से मुझे जल्दी सॉरी पांच पार्टों के अंदर आई थिंक डिवाइड करा जाता है ना, पांच पार्ट के अंदर, बिल्कुल पांच पार्ट के अंदर डिवाइड करा जाता है। तो मुझे इनमें से बताओ कि आपका राइट आंसर क्या होगा, नागा खासी और गारो ये जो हिल्स हैं वो कौन सी श्रृंखला के अंदर कौन सी रेंज के ऊपर स्थित हैं, जल्दी से कौन बताएगा इसका सही जवाब, जो कि आपका एसएससी सेक्शन ऑफिसर एग्जाम 2006 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है भाई, क्या राइट आंसर होगा। बिल्कुल ये जो आपकी नागा खासी और गारो पहाड़ियां ये जो नाम रखा गया है ये यहाँ की ट्राइब के ऊपर ये नाम रखा गया है, यहाँ पर ये ट्राइब भी पाई जाती हैं, ठीक है। अगर आपसे कहीं पर पूछा जाए कि ये ट्राइब कहाँ पाई जाती हैं तो वो भी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है भाई, ट्राइब कहाँ पाई जाती हैं। तो अगर ये बात आपको पता है तो आप जल्दी से आंसर दे दो भाई। और इसकी लोकेशन की बात करेंगे, इन पहाड़ियों की जो तीनों है नागा खासी और गारो इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो आप सभी को मेघालय के निकट इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी, ओके। कहाँ पर, मेघालय के निकट, ओके मेघालय के निकट इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी। अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वांचल श्रृंखला इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पूर्वांचल श्रृंखला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघालय की लोकेशन किधर देखने को मिलती है ये बात आप समझ जाइए, ठीक है। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए यहां पर बिल्कुल सही जवाब देखने को मिलेगा, ठीक है भाई, ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में छत्रकशिला कहाँ पाई जाती है, जो कि आपकी मशरूम टाइप की जो रॉक होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, वो पूर्वी घाटी में पाई जाती है, पश्चिमी घाटी में पाई जाती है, थार रेगिस्तान में पाई जाती है या फिर सतपुड़ा रेंज के अंदर पाई जाती है। इंग्लिश के अंदर ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, थार डेजर्ट या फिर सतपुड़ा रेंज, जो कि आपका ये एसएससी इन्वेस्टिगेटर एग्जाम 2010 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बिल्कुल प्रियंका भारती बहुत अच्छे, सौरभ बहुत अच्छे, चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई कि राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल मशरूम रॉक की बात कर रहे हैं मैं, मशरूम रॉक जो होती है वो बहुत सालों के अंदर हवा के कटाव के द्वारा, जो आपकी एयर होती है हवा के कटाव के द्वारा ये बनती है, लाखों करोड़ों साल के बाद जो है एक मशरूम की जो रॉक जो है वो फाउंड होती है। अगर बात करेंगे इसके राइट आंसर की तो राइट आंसर क्या होगा भाई, राइट आंसर जो यहां पर आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, थार डेजर्ट, थार डेजर्ट यहां पर आपको बिल्कुल सही जवाब देखने को मिलेगा, ठीक है भाई, आपका जो हो जाएगा वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई, क्लियर है, थार डेजर्ट बहुत अच्छे। मयंक पाठक, आर्यन राज, मुर्गा भोई बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जैसा कि लिखा कि सैडल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, तो यहां से एक पहला क्वेश्चन आपको क्लियर होता है कि सैडल पीक जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ये एक प्रकार का क्वेश्चन बन जाता है, ये पूछ लिया जाता है कि सैडल पीक जो है वो कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, तो आपको जो है वो अंडमान एंड निकोबार द्वीप देना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है इसकी लोकेशन कहां पर है ये आपसे पूछी गई है, तो लोकेशन बताओ भाई, ग्रेट निकोबार में होगी, मिडिल अंडमान में होगी, लिटिल अंडमान में होगी या फिर नॉर्थ अंडमान में होगी, जल्दी से बताओ भाई इसकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन आपसे पूछी गई है। तो यहां से आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं भाई, ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चन को नोट करते चलना और इन क्वेश्चन को एक बार रिवाइज जरूर कर लेना जब भी आपको पीडीएफ मिले। चलो अच्छी बात है अरन राज, फिगर आपके लगे मिलेंगे, ठीक है, ताकि आपको जो है वो थोड़ी हेल्प मिल सके, ठीक है, फिगर आपको देखने को मिलेंगे। बस आप सभी से निवेदन है, मैं पूरी कोशिश करता हूं अच्छे क्वेश्चंस कराने की, सिर्फ आपका फर्ज है कि थोड़ा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके, अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ आ सके क्लास करने के लिए। बिल्कुल यहां पर जो आपका राइट आंसर क्या होगा भाई, सैडल पीक के बारे में पूछा रहा, तो जल्दी से आंसर दो भाई। बिल्कुल यहां पर, अच्छा इसकी लोकेशन,
नॉर्थ अंडमान आइसलैंड, बिल्कुल यहाँ पर नॉर्थ अंडमान आइसलैंड बिल्कुल सही जवाब होगा भाई, नॉर्थ अंडमान आइसलैंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर। अगर हम सैडल पीक नेशनल पार्क की बात करें, सैडल पीक नेशनल पार्क की बात करें तो उसकी लोकेशन कहाँ पर देखने को मिलेगी, जल्दी से बताओ। सैडल पीक नेशनल पार्क, जल्दी से बताओ भाई। जल्दी से बताओ भाई, सैडल पीक नेशनल पार्क की लोकेशन कहां पर देखने को मिलती है? ये बात है कि नॉर्थ अंडमान के निकट ही है। आपको ये बताना है कि वहां पर एक विलेज पड़ता है, इस नॉर्थ अंडमान के पास में एक विलेज पड़ता है, उस विलेज का नाम बताना है, और वही आपको ऑप्शन के अंदर देखने को मिलेगा जब भी वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप DIIG ठीक है, उसके बाद लिखा होता है LI ठीक है, और पुर ठीक है, क्या हो गया, डिजलीपुर, डिगलीपुर यहां पर आपको देखने को मिलेगा, वहां पर एक विलेज है डिगलीपुर, वहां पर इसकी जो है वो आपके सैडल नेशनल पार्क की लोकेशन देखने को मिलती है। ठीक है भाई, क्या चीज, डिगलीपुर। ओके चलो आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश में एक अलिखित संविधान है। बच्चों ये SSC सेक्शन ऑफिसर एग्जाम 2006 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था। 2006 का टाइम कितना इजी रहा होगा, आप ये अंदाजा इस क्वेश्चन के साथ लगा सकते हैं। ठीक है, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 2006 का एग्जाम का लेवल क्या था और आज 2020 का क्या लेवल होगा, करीब 14 सालों बाद इस एग्जाम का लेवल कैसा देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो आपको लेवल देखने को मिलेगा बहुत ही डिफिकल्ट लेवल देखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है। और अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, USA होगा, UK होगा, पाकिस्तान होगा, इंडिया होगा। ऐसे इजी क्वेश्चन डालने का यह मतलब है कि आप जो है बिल्कुल ऐसा तो नहीं, आप लेवल बहुत अच्छा क्रिएट कर रहे हैं लेकिन छोटी छोटी चीजें आप भूल रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय पैनल कोड प्रभाव में आया था, मतलब आपको यह बताना है कि जो आपका भारतीय इंडियन पैनल कोड था वो कब स्टार्ट हो गया था, कब लागू हो गया था, ये आपको बताना है जल्दी से, कब लागू हो गया था। देखिए ये अधिनियमित कब हो गया था, अधिनियमित की बात कभी भी आपको अधिनियमित लिखा मिलेगा तो 1807 के अंदर ये अधिनियमित हो गया था। लेकिन अगर लागू होने की बात करी जाएगी तो लागू होने की कभी भी अगर आपके क्वेश्चन के अंदर ऑपरेशन की बात हो जाए या इन्फोर्स की बात हो जाए या फिर लागू होने की बात हो जाए तो आप क्या देकर आओगे, 1862 आंसर देकर आओगे। ठीक है भाई, तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर अधिनियमित की बात हो जाए तो आप क्या देके आओगे, 1860, लेकिन अगर लागू होने की बात करी जाएगी तो आप क्या देके आओगे, 1862। ठीक है भाई, ये दोनों पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस स्थिति में मजदूरी और कीमतें एक दूसरे को बहुत तेजी से पीछा करती हैं। बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जो कि आपका SSC CAPF NASI के अंदर 2017 में पूछा गया था, मतलब एक साल के अंदर दो एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जल्दी से मुझे आंसर दो, राइट आंसर क्या होगा, अनिमा शर्मा, आर्यन राज, मयंक पाठक, मुर्गा बोई, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। और इकोनॉमिक्स का सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है आपका। देखिए हम तीनों चारों पॉइंट्स के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं और ताकि आप सभी को क्लियर हो सके। आंसर पहले मैं आपको बता दूं, आंसर इसका क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेशन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर हाइपर इन्फ्लेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब हम इन सभी चारों के बारे में देख लेते हैं कि मतलब क्या होता है। देखिए अगर हम बात करेंगे हाइपर इन्फ्लेशन की तो हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई बढ़ती है और कीमतें क्या होती है, आसमान छूती है। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। अच्छा अब स्टैग इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, स्टैग इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो स्टैग इन्फ्लेशन उसे कहते हैं जहां पर हमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से देखने को मिलती है। अनएम्प्लॉयमेंट जब बहुत तेजी से देखने को मिलती है उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, हम स्टैग इन्फ्लेशन बोलते हैं। अच्छा रिफ्लेशन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेशन की कंडीशन क्या होती है, अगर हमें रिफ्लेशन देखने को मिलेगा तो क्या होता है, एक आर्थिक मंदी के बाद दोबारा महंगाई बहुत चढ़ने लगती है, बहुत ज्यादा महंगाई उठने लगती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेशन बोलेंगे। अच्छा डिफ्लेशन किसे बोलेंगे, तो इस कंडीशन में क्या होता है, महंगाई कम होने लगती है, महंगाई कम हो जाती है। ठीक है, महंगाई अगर ज्यादा होने लगी कि तो रिफ्लेशन होगा, अगर महंगाई कम होने लगी कि क्या होगा, डिसइन्फ्लेशन होगा। ठीक है भाई, तो यहां पर ये चारों पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन के राइट आंसर का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यहां पर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। ओके, डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आशा करता हूं आप सभी को ये चारों पॉइंट समझ आ गए होंगे, अगर समझ आ गए हैं तो एक बार मुझे थम्स अप करके बता दें, हां सर मतलब समझ आ गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्थिर लागत नहीं है। हां अभी जो है वो 2 बजे सभी लोग तैयार रहिएगा, 2 बजे आज आपकी सेंसस 2011 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, डिटेल में पढ़ाऊंगा,
समझाऊंगा अच्छी तरीके से। तो ये याद रखिएगा, जैसे ही ये क्लास खत्म होगी वैसे ही हम क्या स्टार्ट कर लेंगे, हम स्टैटिक का पार्ट, जो कि आपका सेंसस 2011। किसी बच्चे ने मुझे कहा था कि सेंसस 2011 के क्वेश्चन करा दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वही मैं लेकर आ चुका हूं। तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुझे बताते चलना, ताकि मैं उन टॉपिक्स को आपको स्टैटिक पार्ट में कराता रहूं, ठीक है भाई। चलो, तो यहां पर आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है, तो यहां पर हम बात करेंगे। देखिए राइट आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से बताइए भाई, किसी बच्चे को पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से। स्थिर लागत नहीं, अच्छा आप देखिए, सैलरी जो होती है वो घटती बढ़ती रहती है ना, सैलरी तो घटती बढ़ती रहती है, इसलिए इसे जो है वो हम फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर नहीं रखते हैं। अब इसे हम किस कॉस्ट के अंदर रखते हैं, इसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के अंदर रखते हैं, ठीक है भाई। किसके अंदर रखते हैं हम इसे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के अंदर रखते हैं। और ये जो आपका कारखाना, भवन, ठीक, किराया, संपत्ति, बिजली, ये सभी आपके जो है वो क्या फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर जो है वो कैलकुलेट करे जाते हैं। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे सभी प्यारे साथियों, ए यहां पर बिल्कुल सही जवाब देखने को मिलेगा, बिल्कुल ए बिल्कुल सही जवाब देखने को मिलेगा। चलो मृगा, वही बहुत अच्छी बात, अगर आपने कहा था तो चलिए आपकी आज बात पूरी हो गई। और किसी बच्चे की रिक्वेस्ट है तो मुझे बता देना, और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने, ओके। अच्छा मृगो भाई कह रहे हैं कि सर आज का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात है, चलो आगे चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन कहता है ध्वनि से नहीं गुजर सकती। देखिए एसएससी सीजीएल 2008 के अंदर अब लेवल जो है वो थोड़ा इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पर भी लेवल जो है वो आपका बहुत ईजी रहा। जैसा कि सौरव कुमार को कहना चाहूंगा कि हर क्वेश्चन जो होता है हर बच्चे के लिए जो होता है वो डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन भी एक जो है वो नॉर्मल स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट होता है अगर उसने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है भाई। तो दोनों कंडीशन के साथ हम चलेंगे, ऐसा नहीं है कि हम एक अच्छा लेवल क्रिएट कर ले और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेटेस्ट बच्चे जुड़े हुए हैं जो कि आपके बिगिनियर हैं, वो बच्चों के लिए वो नुकसान कर जाए, ठीक है। तो मेरा ये रहेगा कि मैं सभी को साथ लेकर चलूंगा और आपको भी साथ रहकर चलना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई वैक्यूम, बिल्कुल वैक्यूम के अंदर, सिंपल बात है, वैक्यूम के अंदर जो है वो आपकी ध्वनि जो है वो पास आउट नहीं होती है। आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि सावधि जमा खाते को डैश के रूप में जाना जाता है, तो यहां पर हम तीन चार बातें इंपॉर्टेंट करेंगे, तो जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो कि राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर देंगे। सोनू यादव, मयंक पाठक, सोनू यादव स्टील का क्या मतलब आप लिख रहे हो, जल्दी से बताओ भाई, ओके इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दो। अच्छा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, देखिए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हम यहां पर बिल्कुल सही जवाब कहेंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सावधि जमा खाता जो होगा वो क्या आपका हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ भाई। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इज ऑल्सो नाउन एज, राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा जल्दी से बताएंगे भाई, एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से। डी देखने को मिलेगा, करंट डिपॉजिट अकाउंट, ना भाई ना 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 ना। देखिए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो होता है वो क्या होता है, एक लंबे समय के लिए डिपॉजिट किया जाता है ना, ठीक है, इसे हम एफडी बोलते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को क्या बोलते हैं, हम एफडी बोलते हैं ना भाई। तो एफडी जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए तो हमारा होता नहीं है, एफडी तो हमारा लॉन्ग टाइम के लिए होता है, तो लॉन्ग टाइम टर्म डिपॉजिट अकाउंट कहलाता है भाई, टर्म डिपॉजिट अकाउंट, ए यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ओके टर्म डिपॉजिट अकाउंट। अच्छा उसके बाद करेंगे ये जो है डीडी, ये भी आपका शॉर्ट टाइम के लिए होता है, आवर्ती जमा ये भी शॉर्ट टाइम, चालू खाता ये भी शॉर्ट टाइम, कभी भी निकाल सकते हो कभी भी डाल सकते हो। अच्छा अब ये बताओ ऐसे खातों को क्या कहते हैं, एक आपने वर्ड सुना है कासा, कासा का वर्ड सुना आपने, कासा टर्म बहुत ज्यादा पूछी जाती है बैंकिंग क्षेत्र के अंदर, सी ए एस ए, कासा का मतलब क्या, ये टर्म पूछी जाती है कासा का मतलब क्या। देखिए इसके अंदर दो वर्ड नजर आ रहे हैं ना, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं फिर आपको दिखाई देगा, इसके अंदर दो वर्ड नजर, एक कासा, एक करंट अकाउंट हो गया और ये हो गया सेविंग अकाउंट। तो इन दोनों अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों अकाउंट को हम क्या बोलते हैं भाई, इन दोनों अकाउंट को जल्दी से बताओ क्या बोलते हैं, कासा, इसको बोलते हैं सेविंग अकाउंट। लेकिन अगर हम यहां पर बात करेंगे तो करंट डिपॉजिट अकाउंट ये इसको कहलाता है, किसको, ये इसको रिफेयर करता है, करंट डिपॉजिट अकाउंट की बात करेंगे तो हम कासा वाला वर्ड जो है वो बिल्कुल सही कर लेंगे, ठीक है भाई, ओके ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। हम कासा जो होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को क्या बोलते हैं, करंट डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। लेकिन अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बात करेंगे तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हम क्या बोलते हैं, टर्म डिपॉजिट अकाउंट को बोलते हैं, ठीक है भाई। चलिए आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अगर क्लियर हो गया तो जल्दी से मुझे बता दीजिए भाई। हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थायी रूप से कलकत्ता से मुंबई स्थानांतरित किया गया था। तो यहां पर तीन चार स्टैटिक पॉइंट्स आप सभी को पता होने चाहिए जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहला पॉइंट जो होगा, जल्दी से बताओ, किस कमेटी के कहने पर जो है वो आरबीआई की स्थापना करी गई थी, सबसे पहला कमेटी का नाम बताओ, किस कमेटी के कहने पर जो है आरबीआई की स्थापना करी गई थी, कौन सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा। क्वेश्चन तो बहुत इजी है लेकिन जो मैं आपसे
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुट कर रहा हूं, उनका आंसर दो। आरबीआई, आरबीआई किसकी रिकमेंडेशन पर जो है वो बनाई गई थी, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट में मैं बता दूंगा, ठीक है, बड़ा नहीं लिखूंगा, हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है भाई, शॉर्ट में समझ जाइएगा, लिखने के लिए टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, आप लोग जो है अपने पेपर पेन लेकर बैठे होंगे, ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे तो लिख रहे होंगे, तो हिल्टन यंग कमीशन, ये कमीशन कब बनाया गया था, सबसे पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए। हिल्टन यंग कमीशन की बात करेंगे तो ये 1934 के अंदर ये बनाया गया था, ठीक है, 1934 के अंदर हिल्टन यंग कमीशन को बनाया गया था भाई, ठीक है, उसके सॉरी 1926 के अंदर, एक मिनट, 1926 के अंदर ये कमीशन बनाया गया था, एक सेकेंड आईलट, ओके 1926 के अंदर जो है ये आपका कमीशन बनाया गया था। उसके बाद इसी कमीशन की रिकमेंडेशन पर 1934 में क्या किया गया, आपकी क्या किया गया था, आरबीआई का कानून पारित कर दिया गया था, ठीक है, क्या पारित किया गया था, आरबीआई का कानून पास कर दिया गया था, और उसी कानून की तर्ज के ऊपर, उसी कानून के तर्ज के ऊपर मेरे से गलती हो रही है, जो चीज वहां लिखनी होती है वो मैं यहां लिख देता हूं और जो वहां लिखना होता है वो यहां लिख देता हूं, बिल्कुल, चलिए दोबारा मैं समझा देता हूं अच्छी तरीके से, सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए, आरबीआई की स्थापना की बात करें हम तो हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर जो है 1934 में जो है वो आरबीआई कानून पास होता है, और 1935 के अंदर जो है आरबीआई की स्थापना कर दी जाती है। अगर आपसे आपका टाइम पूछ लिया जाए, ठीक है, मंथ पूछ लिया जाए तो आप क्या आंसर करोगे, 1 अप्रैल 1935, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कर दी जाती, लेकिन उसके दो सालों बाद 1937 में जो है इसकी जो है वो कैपिटल के सॉरी इसका जो मुख्यालय होता है कलकत्ता से मुंबई कर दिया जाता। मतलब अगर आपसे पूछा जाए पेपर के अंदर बहुत ही ज्यादा डीप में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जब 1935 में आरबीआई स्थापित की गई थी उस वक्त जो था आपका मुख्यालय क्या था, तो आप क्या आंसर दोगे, सर 1935 के अंदर जो मुख्यालय था वो आपका कोलकाता था, लेकिन दो सालों बाद 1937 में इसका मुख्यालय चेंज करके मुंबई कर दिया गया। तो तीनों चारों पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, हिल्टन यंग कमीशन कब बनी थी, 1926, इसकी रिकमेंडेशन पर 1934 में आरबीआई कानून पास हो गया था, और उस कानून के आधार पर 1935 में जो है वो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कर दी गई थी, और उसके दो सालों बाद जो है वो कलकत्ता से मुंबई इसका हेडक्वार्टर चेंज कर दिया गया था। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI का एक वाणिज्य समाधान है। सिंपली आपको यहां पर ये याद रखना कि NPCI के तहत यहां पर कौन पेमेंट भुगतान करने की जो है वो तरीका है आपका, वो ई पेमेंट होगा, तरीका ई पेमेंट होगा, रूपले होगा, या फिर आपका क्या पेरू होगा, या फिर आपका पेरू ई पे होगा, यहां पर आपको सही जवाब देना है, और NPCI के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। जल्दी से बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से। ई कॉमर्स सॉल्यूशन मतलब सिंपली आपको ऑनलाइन अगर कुछ डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, पैसा निकालना है, तो NPCI की ऐसी कौन सी टर्म है, ऐसा कौन सा उसने लॉन्च किया है कार्ड, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से आंसर दो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है कि आप अच्छा इसका NPCI का मतलब आप देख लो, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, रूपले, तो यार सुना है ना, रूपले कार्ड को इसने लॉन्च किया था, जो कि आपके ई कॉमर्स सॉल्यूशन के लिए आपको लॉन्च किया गया था, ठीक है भाई। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी, डी कौन दे रहा है भाई, डी यहां पर किस बच्चे ने दिया भाई, डी तो हो गई नहीं, यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहां पर गलत कर रहे हैं, आनंद राज मुर्गा भोई कैसे हो जाएगा भाई डी, ठीक है, यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है भाई। हम आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा एक मुद्रा बाजार साधन नहीं है, तो बताओ भाई मुद्रा बाजार साधन कौन सा नहीं है इनमें से, जल्दी से चलो, मैंने कहा आवाज चेक कर लेते भाई, आवाज वो ठीक ठाक आ रही नहीं आ रही है, ओके चलो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा। अच्छा आपने ये चीज देखी है ना, अगर आपका कोई चीज, चलो पहले आंसर दो भाई। अच्छा
देखिए यहाँ पर एक पॉइंट, अगर 364 या एक साल, एक साल इतना बड़ा मार्केट अगर कोई आपका है, ठीक है, डिपॉजिट करने या कुछ भी मार्केट है, उसको कौन देखता है? सबसे पहली बात आपको ये नोट करनी होगी। देखिए अगर 364 या फिर एक साल का कोई मार्केट है, वो आपका क्या कहलाएगा? वो मनी मार्केट कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? वो आपका मनी मार्केट कहलाएगा, ठीक है, मनी मार्केट कहलाएगा, ओके। और उसको जो है वो कौन ऑपरेट करेगा? उसको जो ऑपरेट करने वाला होगा वो कौन होगा, जल्दी से बताओ। उसको जो ऑपरेट करेगा वो ऑपरेट करेगा आरबीआई, ठीक है, उसको आरबीआई ऑपरेट करेगा, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को कौन ऑपरेट करता है? कैपिटल मार्केट को ऑपरेट करने के लिए एक संस्था होती है सेबी। सेबी जो होती है वो ऑपरेट करती है किसको? कैपिटल मार्केट को, ठीक है भाई। ये दो पॉइंट यहां से आपने क्लियर कर लिए, ठीक है। अगर एक साल या एक साल से अधिक का जो टर्म है उसे जो है वो आरबीआई ऑपरेट करता है, और आपका जो होगा वो मनी मार्केट होगा। अगर कैपिटल मार्केट की बात करेंगे तो सेबी कंट्रोल करेगा, ठीक है भाई। और इसके राइट आंसर की बात करेंगे, जैसा कि पूछा है कि मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार मनी मार्केट, तो मनी मार्केट यहां पर क्या राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताओ भाई। मनी मार्केट क्या राइट आंसर हो जाएगा? अब तो आपको पॉइंट बता दी, अब तो यार आंसर दे दो। देखो इक्विटी अगर कोई आंसर दे रहा हो डी, आंसर अगर कोई दे रहा हो डी, तो इक्विटी जो है ये इंस्ट्रूमेंट किसका है? ये सेबी का इंस्ट्रूमेंट है। ये जो है इंस्ट्रूमेंट ये किसका है? सेबी का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो इक्विटी तो इसका राइट आंसर होगा ही नहीं, ठीक है, ये तो आप बिल्कुल कैंसिल कर दो, ठीक है, ये तो आपका होगा ही नहीं। जल्दी से बताओ भाई क्या राइट आंसर होगा, कौन सही जवाब देगा इसका? स्किप कर दिया, नो आई हैव नो आइडिया। देखिए आज क्वेश्चन हो है ना बिल्कुल अच्छे मजेदार, है ना, अच्छे करेक्ट है ना भाई। चलो ए यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्टिफिकेट जमा प्रमाण पत्र, ठीक है, ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड दीजिए सभी लोग, आई थिंक इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, एक सेकंड दे दो मुझे, चेक कर लेता हूं मैं, थोड़ा सा मुझे डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर, ओके एक सेकंड दे दो बस, चेक कर लेते हैं भाई। तो डाउट देखिए, डाउट तो होता ही है, चलो बिल्कुल यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कहता है राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। जल्दी से बताओ भाई नेशनल हाउसिंग बैंक का जो है वो मुख्यालय कहां पर है, कौन सबसे पहले जवाब देगा? जल्दी से नेशनल हाउसिंग बैंक का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर आपका नई दिल्ली होगा। राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा? जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग और कोशिश करेंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर देने की भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर देने की जवाब कोशिश करोगे आप सभी लोग। बिल्कुल अनिमा शर्मा, जल्दी से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक पूछा गया, तो यार इस क्वेश्चन को गलत तो मत करिएगा क्योंकि बच्चों वाला क्वेश्चन है। न्यू दिल्ली यार, नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो आपका क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था भाई, ठीक है भाई। तो यहां पर आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है भाई, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिल्कुल बिना किसी सोच के मुंबई नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों ने देखा गलती करी ना, मुंबई, जैसे आनंद राज मुंबई दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने ए दे दिया मुंबई, ना बच्चा ना, न्यू दिल्ली यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा बिना किसी डाउट के, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, इतने सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ के अंदर पूछ लिया गया, एफसीआई के अंदर पूछ लिया गया, एसएससी सीजीएल 2010 में, एसएससी सीएमएल 2006, एसएससी एमटीएस 2011, वाह रे वाह, 1 2 3 4 5 एग्जाम्स के अंदर इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसा क्या है भाई? सुनामी के कारण होता है भाई, क्या होता है? ठंड और गर्म धाराओं का मिश्रण होता है, अर्थक्वेक आता है, समुद्र में तल में परिवर्तन होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। अरे यार ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। अच्छा दो बताओ, अगर आपके इंटरनल क्रस्ट के अंदर कोई परिवर्तन होगा तो क्या आता है, बताओ भाई जल्दी से बताओ क्या आता है? इंटरनल क्रस्ट के अंदर जब आपका कोई परिवर्तन होगा तो उससे क्या आता है आपका? आपका भूकंप आता है, ठीक है। और भूकंप से क्या आएगा? यहां पर सुनामी आएगी। तो सिंपल यार, सुनामी किसके कारण आती है? अर्थक्वेक के कारण आती है, बी यार बिल्कुल, बताइए। इतने सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, और इतना इजी क्वेश्चन, हाउ इज दैट पॉसिबल, क्या बात है भाई। चलो अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर। इंग्लिश वाले बच्चे देख ले, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन। अब भाई देखिए, इतना इजी क्वेश्चन अगर एसएससी सीएचएसएल 2014 के अंदर पूछा गया था, तो अगर मैं आपके एग्जाम में बैठा होता तो मैं ये पक्का आंसर को करेक्ट करके आता, वो चाहे वो सिक्स क्लास का बच्चा होता चाहे फिफ्थ क्लास का बच्चा होता, वो भी इसे टिक करके आ जाता, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए भाई।
अब तो यार आंसर दे दो भाई, अब तो आंसर दे दो, अब तो न दो जल्दी से। अच्छा चलो अब यहां से आपसे एडिशनल क्वेश्चन एक दो पूछ लेते हैं। आंसर तो आपका क्या हो जाएगा, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब मुझे बताओ एस आकार का जो है आपका, एस आकार का कौन सा इसमें से आपका जो है वो ओशियन है, जल्दी से आंसर दो। एस आकार का ओशियन कौन सा है, कौन जवाब देगा? और ट्रायंगुलर शेप का ओशियन कौन सा है, जल्दी से बताओ मुझे, बना के भेजो। ट्रायंगुलर शेप का ओशियन कौन सा है और एस आकार का ओशियन कौन सा है, ये पेपर के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है भाई, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है? चलो, जो एस आकार का ओशियन उसे हम क्या बोलते हैं, अटलांटिक ओशियन बोलते हैं भाई, ठीक है? एस आकार वाले को हम क्या बोलते हैं, अटलांटिक ओशियन बोलते हैं। अगर ट्रायंगुलर शेप वाले की बात करेंगे तो हिंद महासागर, जो है आपका ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है भाई? आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि ज्वार का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, जो ज्वार का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो किसके कारण होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। परी ज्वार जो होता है कौन से गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पृथ्वी पर चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण के कारण, या फिर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जल्दी से बताओ भाई राइट आंसर क्या होगा। अब अगर आप मेरे वर्ड्स को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे तो आप आंसर दे सकते हो, बिल्कुल मैंने ऑप्शन ही गलत पढ़ लिया, अब तो आप आंसर दे सकते हो भाई। अब यहां पर देखिए भाई क्या राइट आंसर देखने को मिलेगा मुझे, बी 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 आलोक शुक्ला, मयंक पाठक, क्या बात है, सभी लोग बी की तरफ जा रहे हैं, क्या बी सही जवाब होगा आपका, जल्दी से बताइए भाई, लॉक किया जाए आंसर आपका, क्वेश्चन नंबर 22 लॉक किया जाए, हाँ या ना, जल्दी से बताओ भाई। बिल्कुल, अर्थ और सन के जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वो ज्वार भाटा आपके आते हैं, यहां पर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत अच्छे। प्रियंका भारती, आलोक मुर्गा बोई, बहुत अच्छे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो, ताजे पानी का सबसे बड़ा भंडार है। अब आपके इजी क्वेश्चन आ गए, अब आप लोग कहोगे यार इजी क्वेश्चन पूछे जाए, लेकिन भाई अगर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मुझे करवाने पड़ेंगे ना, आपको इजी लगेगा लेकिन करवाने तो पड़ेंगे ना, और भी बच्चे तो बैठे हुए यहाँ पर, तो ग्लेशियर होगा, भूजल होगा, तालाब होगा, या फिर झीलें होंगी, जल्दी से आंसर दो। यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा भाई, ताजे पानी की बात करेंगे तो आपका ग्लेशियर यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ग्लेशियर जो है वो ताजे पानी का सबसे बड़ा भंडार है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, तो जैसा कि पूछा गया कि पृथ्वी की कोर के रूप में भी जाना जाता है, उसे लिथोस्फेयर कहते हैं, मेजोस्फेयर कहते हैं, बेरिस्फेयर कहते हैं, या फिर सेंट्रोस्फेयर कहते हैं, बताइए भाई क्या राइट आंसर होगा। एसएससी सीजीएल 2016 के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन, क्या बात है यार, ऐसे भी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं काश यार, है ना? चलो सौरभ कुमार, बिल्कुल, तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, सेंट्रोस्फेयर, सेंट्रोस्फेयर यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो गया, जिसे पृथ्वी के कोर का दूसरा नाम भी कहा जाता है। ओके चलो अगला क्वेश्चन कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, सूर्य है, हरे पौधे हैं, प्रकाश संश्लेषण में शर्करा का उत्पादन है, या फिर इनमें से कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 25 कौन इसका बिल्कुल सही जवाब देगा। इकोसिस्टम भाई, ऊर्जा का स्रोत, यार ऊर्जा का स्रोत तो मुझे सिर्फ एक नजर आ रहा है भाई, मुझे सिर्फ एक नजर आ रहा है, कोई गलत करेगा क्या इस क्वेश्चन को, है ऊर्जा का स्रोत तो सिर्फ एक ही है भाई, यहां पर सनी तो है आपके इकोसिस्टम के अंदर, ए यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा, सॉरी बच्चों, ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे हम अगला क्वेश्चन, अब देखिए मैं 25 क्वेश्चन करा चुका हूं, ठीक है 25 क्वेश्चन हो चुके, अब आपके मैं करीब करीब सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि टाइम होने वाला है, उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे 2 बजे के इंपॉर्टेंट आपके सेंसेस 2011 के क्वेश्चन, ठीक है 2 बजे हम स्टार्ट करेंगे सेंसेस 2011 के क्वेश्चन, आई होप आप सभी लोग देखने जरूर आएंगे उस क्लास को, जैसे ये खत्म होगी वैसे वो लाइव हो जाएगी। चलो इस क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से, किकली किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते कितने बच्चे इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से देने की कोशिश करेंगे, जल्दी से। प्रियंका भारती, मुर्गा भोई, मैंग पाठक, आलोक शुक्ला, सौरव कुमार, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आई होप आप सभी लोग बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब देने की कोशिश करोगे, ठीक है। और हाँ वीडियो जो है वो जैसे ही यहाँ पर एंड होती है, जो भी बच्चे देख रहे हो उनको आजकल थोड़ी दिक्कत देखने को मिल रही होगी, क्योंकि जो है आपकी वीडियो जो है वो थोड़ी जो है वो क्या करती है, बैलेंस करती है, आवाज़ को मिसमैच करती है, लेकिन करंट आप देखोगे तो मिसमैच नहीं करेगी।
चलो, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है जो क्या हो जाएगा, किकली किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, ये बात अगर कही जाएगी तो यहाँ पर सभी बच्चे अरुणाचल प्रदेश आंसर दे रहे हैं, लेकिन मुर्गा भोई जो है वो एक ही तरफ जा रहे हैं कि सर ये जो पंजाब बिल्कुल सही जवाब होगा। तो बिल्कुल भाई ये यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पंजाब इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बिना किसी डाउट के। अगला क्वेश्चन कहता है कि आरबीआई के निम्नलिखित गवर्नरों में से किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया। तो बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है, आरबीआई के बारे में हमने अभी सारा कुछ पढ़ लिया है तो बताने की जरूरत नहीं है, और मुझे जल्दी से बता दो किसने वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया है, वह कौन सा गवर्नर है। वो आपके एस जगन्नाथ हैं, सर बेनेगल राम और हैं, या फिर एस वैकेंटे रमन है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए सभी लोग, राइट आंसर क्या होगा भाई जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर टू का जल्दी से आंसर देंगे। अगर आपको ये पता है 15th नंबर के जो है वो आपके गवर्नर कौन थे, तो आप जवाब दे सकते हैं 15th नंबर के गवर्नर के बारे में। अगर आप में से किसी को भी पता है तो आप यहाँ पर जवाब दे सकते हो जल्दी से, 15th नंबर के गवर्नर। यहाँ पर जो आपके 15th नंबर के गवर्नर थे वो कौन थे आपके, जल्दी से बताओ भाई 15th नंबर के गवर्नर कौन थे। भाई मनमोहन सिंह थे भाई, कौन थे, मनमोहन सिंह थे। ठीक है भाई, मनमोहन सिंह थे। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने जो है वो आपका गवर्नर रहते हुए वित्त मंत्री का भी पद संभाला है। ठीक है भाई, मतलब दोनों पदों पर गए हुए हैं, एक साथ नहीं, दोनों पद इन्होंने संभाले हैं। ठीक है, तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। अगर यहां पर आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह आपके ऑप्शन के अंदर होता तो आप यहां पर बिल्कुल सही जवाब दे देते हैं। ठीक है भाई, तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद रखिएगा, जो कि आपके 15th आपके क्या थे, आपके गवर्नर थे, और उसके बाद इन्होंने वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। क्या बात यहां पर लिखी है, सबसे पहले कौन सा सही नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं उनकी सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ा करो, क्या वो कहना चाहते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश किया करो। भांगड़ा भी बिल्कुल भाई आलोक शुक्ला, भांगड़ा भी आपका पंजाब का डांस है, गिद्दा भी आपके पंजाब का ही डांस है। ठीक है, चलो, यहां पर सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है, क्या ये बात सही है भाई, या फिर भांगड़ा बांध सतलज नदी के ऊपर स्थित है, ये बात सही है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित, क्या ये बात सही है, या फिर इंदिरा गांधी सागर बांध जो है वह कृष्णा रिवर के ऊपर बनाए, क्या ये बात सही है। जल्दी से बताओ यहाँ पर कौन सबसे पहले पिक करेगा, सबसे पहले कौन पिक करके देगा। यहाँ पर मुर्गा भोई कह रहे हैं कि सर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा भाखड़ा बांध सतलज नदी पर स्थित। तो भाई अगर ये आपका नहीं स्थित है तो मुझे बता दो भाई कि कहाँ पर स्थित है। मुर्गा भोई जल्दी से बताओ अगर आपको ये बात पता है, चलिए राइट आंसर क्या होगा भाई जल्दी से बताइए। यहां पर इस क्वेश्चन का जो आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, इंदिरा सागर डैम यहां पर गलत है। इंदिरा सागर डैम जो है वो आपका कृष्णा रिवर के ऊपर नहीं बना है। अब आप पूछेंगे सर बता तो दो मुझे कौन सी रिवर के ऊपर बना है, तो ये नर्मदा रिवर के ऊपर बना है। कहां पर है, नर्मदा रिवर। ओके, कहां पर बना है, नर्मदा रिवर के ऊपर बना। आगे चलिए देख लेते हैं, जैसा कि ये देखिए नर्मदा रिवर के ऊपर ये आपका इंदिरा सागर डैम बना हुआ है। ठीक है भाई, इंदिरा सागर डैम बना हुआ है, और ये आपका इंदिरा सागर डैम है, जो कि मैं आपको डैम वाली वीडियो के अंदर करा चुका हूं। तो देखा मैंने कहा था ना आपको डैम, ये देखिए क्वेश्चन जो है आपका, इसमें मैंने लिखा नहीं कि कौन से ईयर के अंदर आया हुआ है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और ये सभी यहां से देखिए, ये सभी चीजें मैंने करवाई हुई हैं, इसीलिए आपको जो है वो आपकी स्टैटिक की वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक की क्लास इसीलिए इंपॉर्टेंट। देखिए अब यहां पर आपको पहला क्वेश्चन क्या क्लियर होता है कि सरदार सरोवर डैम जो है वो आपका कहां पर बना हुआ है, वो आपका नर्मदा रिवर पे बना हुआ है, ये भी मैंने आपको कराया है। ठीक है, उसके बाद भाखड़ा डैम कहां पर बना है, सतलज की नदी पे बना है, ये भी मैंने आपको कराया। उसके बाद टिहरी डैम कहां पर बना है, आपकी भागीरथी रिवर के ऊपर बना है, ये भी मैंने कराया, और आपको इंदिरा सागर डैम भी कराया था। तो आप क्वेश्चन को कैसे गलत कर गए यार, अगर आपने नहीं देखी स्टैटिक की वीडियो आप डैम वाली तो जाकर देख लो, मैंने डिटेल में पढ़ा है कितनी हाइट है, कितनी लेंथ है, कौन सी रिवर के ऊपर बना है, कौन से स्टैटिक पॉइंट उससे पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके पेपर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सभी बातें मैंने करी हैं। ठीक है भाई, चलो आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अगला क्वेश्चन कहता है डैश पहला गैर बैंकिंग संगठन जिसने भारत में एटीएम लगाया। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, वह कौन सा जो है वो इसमें से आपकी एजेंसी है, वो जो भी आपका यहाँ पर कंपनी जो भी हो जाएगा, आपका संगठन हो जाएगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, वह कौन सा है जिसने जो है वो गैर बैंकिंग होते हुए भी एटीएम लगा दिया। भाई क्या बात है, अभी तक तो हमने ये सुना था भाई एटीएम बैंक लगाती है, लेकिन ये तो आज मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ कि कोई गैर बैंकिंग संगठन भी लगा सकता है एटीएम।
हाँ भाई लगा सकता है, और वो कौन सा है ये आपको बताना है जल्दी से। अच्छा एक चीज देखो, एक चीज देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे वाली स्लाइड में मैंने ऐड आई थिंक ऐड करा है, हाँ ऐड करा हुआ है, चलो ऐड करा हुआ है। चलो तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, गैर बैंकिंग ऐसा कौन सा संगठन, तो यहां पर टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सोल्यूशन जो है उसके द्वारा जो है आपका क्या आपके एटीएम लगाए गए हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कुछ इसके ऊपर स्टैटिक पॉइंट जो कि मैंने आपको ऐड करे हुए हैं। जैसा कि ये देखिए लिखा हुआ है कि टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सोल्यूशन जो है उसके द्वारा जो है वो आपका व्हाइट लेवल एटीएम जो है वो 2013 के अंदर कहां पर लगाए गए हैं भाई, कहां पर लगाए गए हैं आपके, चंद्र पांडा थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर, कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहला जो है आपका व्हाइट लेवल एटीएम लगाया गया। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर आप तो मुझे कह रहे थे कि सर गैर बैंकिंग वाली एटीएम ये व्हाइट लेवल क्या आ गया। अरे मेरे भाई जो व्हाइट लेवल एटीएम लगाए जाते हैं वो जो होते हैं वो गैर बैंकिंग संगठन लगाते हैं, लेकिन अगर ब्राउन लेवल एटीएम की बात करेंगे, ब्राउन लेवल एटीएम की बात करेंगे तो वो जो है ब्राउन लेवल एटीएम की जो बात करेंगे ये आपका जो है वो बैंक लगाती है, ठीक है। तो दो चीजों को डिफ्रेंशिएट करिए, व्हाइट लेवल जो है वो गैर बैंकिंग संगठन लगाती है और ब्राउन लेवल एटीएम जो है वो बैंक लगाती है। तो ये दो टर्म जो है वो बैंकिंग के अंदर बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, और इसीलिए मुझे स्टैटिक पॉइंट से ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट लगी तो मैंने आप सभी को बता दी। आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि आकाशी गंगा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आकाशी गंगा जलप्रपात जो है वो आपका कहां पर स्थित है। और ये आपका आज का जो है वो लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है। आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को आप गलत नहीं करेंगे, और इसके कुछ ही देर बाद आपकी जो है वो स्टैटिक की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो जल्दी से सभी लोग वहां पर लाइव हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो आकाशी गंगा जलप्रपात किस राज्य के अंदर स्थित है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर असम, क्या राइट आंसर होगा जल्दी से जल्दी से। चलो एक और क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। मैंने स्लाइड बनाई हुई है लेकिन क्वेश्चन टाइम हो गया, तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा भाई क्या हो जाएगा, यहां पर असम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। असम के अंदर आपको ये आकाशी गंगा जलप्रपात देखने को मिलता है, जो कि आपकी फोटो मैंने लगा रखी है, तो थोड़ा अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है भाई। और एग्जाम के अंदर आपको फोटो देखने को नहीं मिलेगी, तो आपको आपकी इच्छा यहां पर लग जाती है, ठीक है, एग्जाम के अंदर नहीं देखने को मिलेगी, ओके। चलो सिक्किम कौन दे रहा है भाई, सिक्किम कौन दे रहा है भाई, सिक्किम की तरफ कैसे भाग गया भाई, असम होगा भाई असम। ये देखिए यहां पर आकाशी गंगा वाटरफॉल, आकाशी गंगा वाटरफॉल जो है आपका नागौन डिस्ट्रिक्ट असम के अंदर जो है, कितनी बड़ी बात है यार। आप लोग कहते हो ना मुझे लेवल बहुत इजी करवा रहे हो, लेकिन बाद में आप क्या यार गलत करते हो, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। चलो इस वाटरफॉल की हाइट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 43 मीटर की हाइट है, फीट के अंदर बात करेंगे तो 140 फीट है भाई, ठीक है। ये दोनों स्टैटिक पॉइंट याद रखिएगा, आगे चलेंगे और एक सिंगल और लास्ट क्वेश्चन जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दो, उसके बाद जो है आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है, अगली क्लास के अंदर, ठीक है। तो सभी लोग लाइव आया करो यार, आज से आपको पता चल गया होगा कि आपकी जो है 1 बजे की क्लास कितनी इंपॉर्टेंट क्लास होती है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके हमारे साथ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर सके जल्दी से। तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा डैश के तहत पैन कार्ड जारी किए गए थे, कौन सी धारा थी, 139A थी, 189A थे, 89A थी या फिर 39A थी, जल्दी से बताओ भाई जल्दी से। चलो सौरभ कुमार थैंक यू, अगर आपने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। चलिए तो यहां पर आपका 139A 139A आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिनियम, अधिनियम पूछा जाए तो 1961। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन बनने का तरीका क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन बना दिया, अगर यहां पर आपका 139A लिख दिया जाता है, ठीक है, 139A लिख दिया जाता और आपका जो है वो धारा मिसिंग कर दी जाती, अधिनियम मिसिंग कर दिया जाता तो आप 1961। तो मेरा ये मानना है कि आप जो है क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से स्टडी किया करो भाई, ऑप्शन स्टडी करते ही करते हो, साथ में जो है वो ऑप्शन को भी अच्छी तरीके से स्टडी किया करो, ताकि जो है आपके कॉन्सेप्ट के साथ जो है आपके पॉइंट जो छोटे छोटे हैं वो भी क्लियर हो सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, चलिए क्वेश्चन बहुत सारे मैंने रखे, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए ही हैं, ठीक है भाई। तो आज की ये आपकी जो है क्लास नंबर 27 जो कि आपकी कल मैंने कराई थी, स्टैटिक का महासंग्राम, जिन बच्चों ने ये वाली क्लास नहीं देखी है ये वाली भी क्लास जाकर देख लेना, और सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाओ, जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव है उन सभी से निवेदन है टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाओ भाई, यहाँ पर क्लास की PDF जो लेटेस्ट वीडियो होने वाली होती है वो सभी बातें यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, ठीक है भाई। और ये अब जैसे ही ये क्लास खत्म हो रही है तुरंत सभी लोग लाइव आ जाओ, ये क्लास अभी 2 बजे स्टार्ट हो जाएगी भाई, स्टैटिक की इंपॉर्टेंट डैम की क्लास, सॉरी स्टैटिक डैम की तो हो चुकी है भाई,
टाइम की तो ये क्लास हो चुकी है, बिल्कुल ये टाइम की क्लास हो चुकी है। आज हमारी किस चीज की क्लास है? आज हमारी सेंसेस की क्लास, तो ये वाली क्लास भी जाकर देख लेना, ठीक है भाई। चलो तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे सभी प्यारे साथी। और कल 1 बजे सभी लोग लाइव जरूर आ जाना भाई, मेरा आप सभी से निवेदन है कि भाई लाइव देखोगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, ओके। चलो तो सभी लोग जल्दी से लाइव आने के लिए तैयार हो जाएं, जस्ट थोड़ी देर में आपके लिए लाइव हम हाजिर हो रहे हैं।